ऑल राइट गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास सैमसंग 313 फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो आज हम आपको बताएंगे। कि आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आएगा तो आपको सीधा कोई भी कहीं पे भी काम नहीं करना है, आपको क्या चेक करना है, क्योंकि किसकी वजह से डेड होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे देखिए, हमने चार्जिंग के साथ लगाया हुआ है फ़ोन, तो उसमें यहाँ पे एम्पीयर देखिए 25, 35, 0.2, फिर उसके बाद 0 हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है वो हमें उसमें ट्रेस करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको आधा घंटा भी चार्जिंग में लगाया था, हमने इसको डीसी मशीन के साथ भी कनेक्ट किया, तो डीसी मशीन में इसकी क्या रीडिंग आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि इसमें चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी रीडिंग आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे चार्जिंग को डिसकनेक्ट करते हैं और फ़ोन को यहाँ से बैटरी को रिमूव करने के बाद आपको चेक करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। अपना चार्जिंग जैक को सबसे पहले चेक करना है कि यहीं पे वाटर डैमेज तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक को सही से क्लीन करना है, उसकी जो भी पिन है उसको आपको रीसोल्डरिंग करना है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर फोकस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी जो सील्ड लगी होती है सील्ड को आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, इन सेक्शन में आपको जो बड़े बड़े कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है नेटवर्क सेक्शन के आजू बाजू में, सीपीयू के आजू बाजू में, वो सारे कैपेसिटर को आपको चेक करना है, या फिर आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन वाटर डैमेज है कि नहीं। तो उसके बाद आपको वो सब चेक कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए हमारा दोनों क्रिस्टल है, क्रिस्टल को आपको एक बार रिमूव करना है। वो मेन दो चीज़ आपको खास चेक करनी होती है। तो वेट कीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स को हम चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा शॉर्टिंग है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर को बीप की मोड में रखा है और सारे कंपोनेंट्स को हम आपको चेक करवाते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, आपको इस तरीके से काम करना है, सीधा आपको हीट वगैरह कुछ भी लगाना नहीं है। कई भाइयों क्या करते हैं, फ़ोन कोई भी आया, हीट लगाया, एक बार उसका फ़ोन हो गया होगा हीट मारने से, तो दूसरी बार भी ऐसा ही करते हैं कि हमने हीट लगाया हमारा काम हो गया। तो भाई इस तरीके से नहीं होता है, हर बार हीट से काम नहीं होता है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अभी आप हीट लगाओगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाता है। तो आपने इस तरीके से आपको डायोड को भी चेक करना है, डायोड को कैसे चेक करें वो सब वीडियो मैंने बना दिया है। तो हम यहाँ पे डायोड को भी चेक कर रहे हैं, तो हमारा डायोड भी ओके, मतलब कि हमारे यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग भी नहीं आ रही है, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है। तो अब हम यहाँ पे इस डायोड को भी आपको चेक करवाते हैं, तो डायोड भी दोस्तों हमारा ओके है। तो इस फ़ोन में शॉर्टिंग भी नहीं है, ऑटोमेटिकली डेड है। तो आपने देख लिया कि आपको इन सब चीज़ को सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद ही क्या करना है, आपने इन दोनों क्रिस्टल को आपको एक बार रिबॉल करना है। उससे पहले हम आपको चेक करवाएंगे कि हम डीसी मशीन में इसको कनेक्ट करते हैं, डीसी मशीन में इसकी क्या रीडिंग आ रही है। तो अभी हम इसको डीसी मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारे डीसी का एक ये टूट गया है। तो अब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको दोनों को साथ में कनेक्ट करते हैं, बीएसआई और ग्राउंड को। तो अब हम यहाँ पे पावर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पावर की को प्रेस किया, हमारा 23 पे हमारा एम्पीयर स्टॉक हो गया है। तो उस रीज़न में दोस्तों हमारी प्रॉब्लम सीपीयू का भी इस तरह की रीडिंग हो सकती है, या फिर हमारा आरटीसी या फिर हमारा आरएफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा फ़ोन डेड हो सकता है। तो मैंने आपको इस तरीके से डीसी के साथ कनेक्ट करके दिखाया कि इसकी रीडिंग यहाँ पे स्टॉक हो जा रही है। तो अभी हम यहाँ पे सीपीयू को हल्का सा हीट देंगे और हमारा आरटीसी और आरएफ पे हम थोड़ा सा इसको रिबॉल करेंगे, उठा के फिर एक बार लगाएंगे और सीपीयू को हल्का सा हीट देंगे। बीच में ही देना है आपको, कोने पे हीट बिल्कुल भी नहीं देना है सीपीयू को, वरना आपकी बॉल्स आपस में जुड़ जाती है, तो आपको याद रखना है। तो अभी हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कुछ लगा देते हैं पेस्ट वगैरह, और यहाँ पे कोने पे हम अच्छी तरीके से हीट प्रूफ टेक लगा दिया है, क्योंकि कई भाइयों को एक क्रिस्टल चेंज करने में फ़ोन डेड हो जाता है, और इस तरीके से होता है, ये कोने की जगह है ना, वहाँ से इसकी बॉल आपस में जुड़ जाती है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे कोने पे हीट को लगा दिया है,
और अब हम यहाँ पे देखिए क्रिस्टल को हल्का सा इसको हिलाएंगे और इसको फिर रीसोल्डिंग कर देंगे। देखिए तो ऐसी प्रॉब्लम, अभी हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा तो देखते हैं, नहीं होगा तो अभी हमें सीपीयू को ये काम करना पड़ेगा क्योंकि इसका और कहीं पे हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है तो हमारा फ़ोन इन दोनों की वजह से ही हमारा फ़ोन डेड था। तो ऐसा क्यों होता है, पता है कि आपके पास फ़ोन है उसका और फ़ोन गिरने की वजह से इसकी जो कनेक्शन होती है कनेक्शन लूज हो जाती है, इसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो हमने इन दोनों को थोड़ा सा हिला दिया है, रिमूव कर दिया है और सीपीयू को भी हल्का सा हीट दिया है बीच में, हमें और कहीं पे हीट नहीं दिया है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने जहाँ पे स्टैंड लगाया हुआ है तो मुझे यहाँ पे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से रिमूविंग में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें जहाँ काम करते हैं इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे एक स्टैंड रखा है लाइट, इसके ऊपर ही हम फ़ोन को रखते हैं और शूट करते हैं, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यार थोड़ा दिखने में आपको, मुझे यहाँ दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है, हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है और आपको दिखाते हैं एम्पियर में भी कितनी रीडिंग आ रही है। देखिए 35 पे इसकी रीडिंग स्टॉप हो चुकी है। तो इसका रीज़न है कि हमें आरटीसी को भी एक बार चेंज करना चाहिए कि नहीं। देखिए एक बार हम इसको रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी सही से रिबल हुआ है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा क्रिस्टल ही थोड़ा सही से नहीं लगा है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे एग्जैक्टली ऊपर हमने कैमरा को रखा है तो यार मेरे को थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी वजह से थोड़ा रिबलिंग में प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हम यहाँ पे इसको फिर से थोड़ा सही से लगा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्रिस्टल को फिर से सही से पेस्ट लगा के इसको हल्की सी इसकी जगह पर सेट कर दिया है और अभी हम इसको चेक करते हैं। हमने और कहीं पे भी फ़ोन को हमने ऑन भी नहीं किया है, इस सही तरीके से आपको सीधा इसको रिबल करने के बाद ही आपको चेक करवाते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर बैटरी को लगा दिया है और चार्जिंग को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो यार वीडियो को थोड़ा कट किया था क्योंकि मैंने फ़ोन को ऑन करना किया नहीं, मैंने खाली वो क्रिस्टल में ही काम किया है क्योंकि क्रिस्टल हमारा सही से नहीं लगा था, यहाँ पे कैमरा है इसकी वजह से मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी इसकी वजह से। तो यार आपने देख लिया कि ऐसी प्रॉब्लम भी आपके फ़ोन में आती है कि आपको पता ही नहीं रहता है, आप सीधा सीपीयू में काम करने लगते हो तो भाई आपका क्रिस्टल की वजह से भी आपका फ़ोन डेड हो सकता है। और मैंने जो आपको टिप्स बताई है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको सबसे पहले चार्जिंग जैक को चेक करना है, उसके बाद आपको डायोड को चेक करना है, उसके बाद कैपेसिटर को चेक करना है और आपको सारी ट्रेसिंग कर लेनी है। 10-15 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, वो सही से आपको ऑन हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि हमने इसको किस तरीके से ठीक किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।